रिवॉर्ड्स टू का अपने सेट खिलाने वाला हूँ। मतलब कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियलमी बड्स 2 का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन और उसके साथ साथ रिव्यू भी दूंगा। तो चलते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो रियलमी बड्स 2 है और कैसा होता है और उसका जो लुक है, इसका बिल्टिंग क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स में ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आई एम अदितो एंड वाचिंग द यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस न्यू वीडियो में सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। चलते हैं गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो Realme Buds 2 है ये 600 रुपए के अंदर आता है और इसका दोस्तों जो है एक डुप्लीकेट आता है और उसको गलती से भी मत खरीदना। उसका प्राइस है दोस्तों 500 रुपये, मतलब 499 में आप लोगों को मिलता है। और ये जो है असली वाला जो चीज़ है इसका प्राइस है दोस्तों 599 में, मतलब कि 600 रुपये के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। और ये दोस्तों जो है 600 रुपये के अंदर बेस्ट बाय होता है अगर आप एक हेडफोन खरीदना चाहते हो तो। दोस्तों ये है रियलमी की तरफ से आने वाला Realme Buds 2। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अगर इसका पैकेजिंग की तरफ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिखाई देता है इसका पैकेट साइज। दोस्तों अगर आप इसका पहले वाला मतलब Realme Buds का फर्स्ट जनरेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि इसका जो पैकेजिंग है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस की गया है। Realme Buds 1 जो था वहाँ पर उसका पैकेजिंग थोड़ा सा छोटा था, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग खुद ही देख सकते हो, यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा है। अब मुझे भी नहीं पता इसका जो साइज़ है ओवरऑल साइज़ बढ़ाने का क्या मतलब है। और दोस्तों और बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका बहुत सारे फेक आप लोगों को मिल जाएगा Amazon Flipkart में, लेकिन उस चक्कर में मत पड़ना। मैं उसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, अगर लेना ही है तो उस लिंक से जाके आप ज़रूर देखिए और वहाँ से खरीदिए। आप लोग को पीछे की तरफ दिखाई देता है 11.2 नैनोमीटर का बेस बूस्ट ड्राइवर। दोस्तों इस प्राइस के अंदर बेस बूस्ट ड्राइवर वो भी 11.2 नैनोमीटर का आना काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा बात है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिखाई देता है केबल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों केबल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है, खास करके अगर आपका हेडफोन को अच्छे से बहुत दिन तक चलाना है तो, क्योंकि अगर आपका बैग के अंदर घुसा देते हो तो यहाँ पर जो है आपका हेडफोन टूट भी सकता है, तो इसलिए केबल ऑर्गेनाइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। अब दोस्तों अगर नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाई देगा जो है 799 यहाँ पर रुपीज़ आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों इसका 799 रुपीज़ नहीं है, इसका असल प्राइस है दोस्तों जहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 599। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रखा हूँ और अगर खरीद नहीं है तो वहाँ से ही जाके आप खरीदे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक केस के अंदर आपका एयरफोन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ कुछ एयर टिप्स जो कि तीन अलग अलग पीस के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक यूज़र मैनुअल। अब जो यहाँ पर यूज़र मैनुअल है काफ़ी अच्छा दिया है और बहुत ही बड़ा है, और जनरली जितने भी यूज़र मैनुअल्स है सभी के सभी सेम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो Realme Buds 2 है इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा किलर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग को दिखाई देता है इसका केबल। तो इसका केबल जो है दोस्तों ब्रेडेड केबल है जो कि आसानी से नहीं टूटता, तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों इसका जो ब्रेडेड केबल है ये कुछ जगह तक ही सीमित है, पूरा का पूरा ब्रेडेड केबल नहीं है, मतलब एयर टिप्स तक जितने भी उस वाले पार्ट वहाँ पर आप लोग को ब्रेडेड केबल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो भी केबल लगा हुआ है वो केबल भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोगों को और भी एक अच्छा चीज़ आप लोगों को दिखाई देता है, आप लोगों का जो एयर टिप्स है ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है, इसके एंगल जो है काफ़ी आसानी से आपका कान के अंदर ऐसे एकदम हुक की तरह रह जाता, तो इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा हिलाते हैं ये कान को तब भी आपका ये खुलेगा भी नहीं टूटेगा भी नहीं, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसका नीचे की तरफ। दोस्तों नीचे की तरफ आप लोगों को मिल जाता है गोल्ड प्लेटेड, आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, नॉर्मल सिल्वर प्लेटेड मिलता है। तो यहाँ पर जो है गोल्ड प्लेटेड अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पर आपका कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन दोस्तों इसी वजह से कभी कभी ना मतलब कनेक्टिविटी में मुझे थोड़ा सा लगा है कि मतलब
थोड़ा सा कमियाँ मुझे महसूस हुआ है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर गोल्ड प्लेटर दे जाए तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर नॉर्मली एकदम स्ट्रेट ही दे गया है, यहाँ पर एल शेप का यहाँ पर कनेक्टर नहीं है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए इसका साउंड क्वालिटी, देखिए दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी एक नंबर का है एकदम सच में दोस्तों। ये है दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी है एक नंबर का है। इसमें अगर बात किया जाए तो दोस्तों बेस का, तो बेस इसके अंदर पूरा भर भर के है सच में, मतलब बेस एकदम जबरदस्त मिलेगा और काफी ज्यादा लाउड है क्योंकि इसके 11.2 नैनोमीटर का बेस बूस्ट डायनामिक ड्राइवर आप लोगों को इनबिल्ट मिल जाता है, जो कि दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छा चीज है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी जबरदस्त मिल जाता है। और इसी वजह से अगर आप आपका बाजू में भी अगर किसी बंदे ने यहाँ पर बोलता है कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ही तो आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक तूफान आया था। उस तूफान के टाइम मतलब बाहर में इतना पूरा बारिश हो रहा है, मतलब एकदम पूरा तूफान चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रहा था, मतलब लो वॉल्यूम में सुन रहा था, फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका अगर ट्रैवल का बात किया जाए तो उसका ट्रैवल भी काफ़ी डिसेंट है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, एकदम ही अच्छा है, बट ट्रैवल में थोड़ा सा अच्छा कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है डायनेमिक ड्राइवर है तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बेस ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पर बेस आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। और मैं आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूँ इसका जो साउंड क्वालिटी है ओवरऑल ये किसी भी 1500 से 1000 का रुपए का जितने भी एयरफोन्स है उसके साथ अच्छे से टक्कर मार सकता है। और इसका अगर ऊपर के साइड अगर एयर टिप्स का बात किया जाए तो एयर टिप्स के अंदर आप लोगों को मिल जाए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दोस्तों आपका जो एयर टिप्स है एक साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं या फिर आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को उतना ज़्यादा मुसीबत नहीं होगा और गिरेगा भी नहीं अगर आपका गर्दन के साथ यहाँ पर लगा कर रख देते हो, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगा है। तो अब दोस्तों बात करते हैं ये आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये इस प्राइस रेंज के अंदर बेस वायरिंग आप कह सकते हो, और इसका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी 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 ज़्यादा ही बेस के ऊपर ये इन्होंने ध्यान रखते हुए इसको बनाया है। तो अगर आपका प्रायोरिटी है बेस तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका अगर प्रायोरिटी है एडिटिंग तो यहाँ पर आपका कॉलिंग में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं आगे भी कॉलिंग के ऊपर भी बात करूँगा। और इसका जो साउंड क्वालिटी है ज़बरदस्त है, इसका जो माइक का क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगा है। आपके पास अगर आप एक क्रिएटर है तो आपके पास अगर एक अलग सा किसी भी माइक नहीं है तो इसके साथ जा सकता है, क्योंकि इसका जो इनबिल्ट माइक है इसका माइक बहुत ही मतलब 600-700 रुपये के अंदर जितने भी माइक आता है उसको अच्छे से टक्कर मार सकते हैं, इतना ही ज़बरदस्त इसका माइक का भी क्वालिटी है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को प्रोडक्ट ये मिल जाता है। तो आप अगर एक क्रिएटर है ज़रूर इसको बाय कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ता है, तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।